अस्सलाम वालेकुम। अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लैपटॉप पे क्लास लेते हैं, ख़ास तौर पे जो अमेरिका यूरोप से होते हैं वो अक्सर लैपटॉप पे क्लास लेते हैं, और उनमें से अक्सर के पास लैपटॉप के ऊपर व्हाट्सएप नहीं होता। तो अगर कोई टीचर सिंपल अपना लिंक भेज दे जूम का, तो उनको अक्सर को प्रॉब्लम होती है। तो उसका हल ये होता है कि आप इस तरह का एक मैसेज बना लें जिसमें एक आपका लिंक हो जूम वाला, जो हमेशा सेम हो, कभी चेंज ना हो। फिर मीटिंग आईडी अच्छी बात है, सेम होगी। जब लिंक सेम होता है तो मीटिंग आईडी भी हमेशा सेम होती है, और पासवर्ड भी आसान सा होता है, 2345 रखा हुआ है, ये आसान होता है। तो भी अब मैं आपको बताऊंगा ये आप कैसे कर सकते हैं। यही तो आपको बनाना पड़ेगा, फिर बाद में इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो जूम आप खोलेंगे तो ये जो एरो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को ऑन कर देना है, ये जो यूज़ माई पर्सनल आईडी वाला है, इसको आप टिक लगा देंगे। तो उसका फ़ायदा ये होगा हमेशा एक ही लिंक होगा। हम थोड़ी सी और सेटिंग कर लेते हैं, यहाँ से PMI सेटिंग में जाके ये पासवर्ड चेंज करने के लिए मैंने किया है। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिख दें, 1 2 3 4 5, आसान पासवर्ड बेहतर रहता है। और एडवांस ऑप्शन में जाएं तो ये जो अलाउ पार्टिसिपेंट टू ज्वाइन एनी टाइम, ये ऑन कर दें आप, तो ये बेहतर रहता है। बाकी की आपको जरूरत नहीं है, बस ये चीज़ देख लें कि एक पासवर्ड आसान कर दें और ये अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन एनी टाइम ये कर दें। फिर इसको यहाँ पे सेव कर दें। सेव करने के बाद न्यू मीटिंग पे क्लिक करें। न्यू मीटिंग स्टार्ट होगी, यहाँ करें आप पार्टिसिपेंट्स पे, और यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना होगा इनवाइट पे। और इनवाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है कॉपी इनविटेशन, इसको आप कॉपी कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अंदर। तो मैं इसको व्हाट्सएप पे आप कैसे आप सेव कर लेंगे, यहाँ पे जाके व्हाट्सएप पे आप इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे सेम लिंक एवरी टाइम। तो इसका फ़ायदा ये होगा, इस मैसेज को आप अपने पास सेव कर लेना, और हमेशा एक ही लिंक आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप यूँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।